हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम अपने किचन में आपका स्वागत करते हैं एक नए डिश के साथ जो कि बहुत ही चटपटा है। तो आज हम चलिए टिक्की छोले बनाते हैं। तो छोले बनाने के लिए आप मेरे पहले की रेसिपीज देख सकते हैं, और भी इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए हैं उसके भी रेसिपीज मेरे पहले वीडियो में दिखाए हुए हैं हमने। तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे बनाते हैं, जो कि ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी है। बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम दो बड़े आलू बॉईल किए हुए लिए हुए हैं, एंड वन टोमेटो जो हमने कट कर लिया हुआ है छोटे छोटे में, और वन अनियन इसको भी हमने चॉप कर लिया है, एंड ये ग्रीन धनिया की चटनी है, और ये खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई हुई है हमने, और दो ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, और ये पापड़ी बनाई हुई है हमने, और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स कट किए हुए हैं हमने, चिली फ्लेक्स एंड चाट मसाला, वो ग्रीन चिली को हमने कट कर लिया है, और ये ब्लैक सॉल्ट है, एंड ये हमने जीरा पाउडर लिया है जो भुना हुआ है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इस रेसिपी को। हम इसमें उबले हुए आलू जो हमने लिए हैं उसे हम मैश कर लेते हैं। तो हम आलू को हमने ये मैश कर लिया, और अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स को मिलाएंगे और इसे हम अब मिक्स करते हैं। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं। तो इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करते हैं, हम 1/4 टेबल स्पून। जीरा पाउडर। तो फ्रेंड्स हम इस तरह इसे राउंड शेप में ले लेते हैं, गोल कर लेते हैं, और इसे एक टिक्की का आकार दे देते हैं। तो इस तरह हम इसे राउंड शेप में कर लेते हैं, और इसे हम थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा देते हैं, और ये इस तरह बन जाएगी। और हम सारे टिक्की को ऐसे ही बना लेते हैं जैसे कि ये हमने सारे बनाए हुए हैं। तो इस टिक्की को हम सेकने के लिए पैन गरम करते हैं, और पैन में तेल डालते हैं 2 टेबल स्पून, और टिक्की को डाल देते हैं ताकि ये धीरे धीरे फिर सीख जाएगी। फ्रेंड्स अब हम इन टिक्कियों को पलट देते हैं। एक तरफ से ये हल्की ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकती हैं। तो अब इस तरह हम सारे टिक्की को पलट देते हैं। इसे हम दूसरी तरफ से सेक लेते हैं। आप चाहे तो इसे नॉन स्टिक पैन में भी सेक सकती हैं, एज यू लाइक इट। तो फ्रेंड्स ये टिक्की पूरी तरह ब्राउन हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये टिक्की हमारी तैयार है। तो चलिए अब हम इसे डिश बनाते हैं। इसे हम बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक प्लेट लेते हैं, उसमें हम ये छोले डालते हैं। अगर मेरे स्टाइल में छोले की रेसिपी देखनी है आपको, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम पहले छोले डालते हैं। तो अब हम इसमें एक टिक्की को डालते हैं इस तरह, आप इसे थोड़ा सा पुश कर दीजिए।
इसमें दही डालते हैं। और फ्रेंड्स दही मैं सो करना भूल गई थी, तो 2 टेबल स्पून हम दही, फ्रेश दही डालना है। अगर आपको खट्टी पसंद है तो आप खट्टी भी डाल सकती हैं। उसके बाद हम थोड़े से कट किए हुए ऑनियन डालते हैं। उसके बाद कट किए हुए टमाटो, अब हम 1 पिंच भुने हुए जीरे का यूज मैं कर रही हूँ, एंड 1 पिंच रेड चिल्ली फ्लेक्स, 1 पिंच चाट मसाले, एंड 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट एंड ग्रीन चिल्ली। तो इसके बाद मैं थोड़े से चिड़वा डाल रही हूँ जो फ्राई किए हुए हैं। आप इसको भी मेरे पीछे की रेसिपीज में देख सकती हैं, इससे थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है। और अब मैं एक पापड़ी को डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं पापड़ी का यूज कर रही हूँ। इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून दही का यूज कर रही हूँ फिर से, खट्टी मीठी धनिया इमली की चटनी 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी यूज कर सकती हैं। और ये प्लेन सेब जो कि बहुत ही अच्छा लुक देगा आपको, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। 1 टेबल स्पून हरे धनिया की चटनी, हरी धनिया की चटनी डाल रही हूँ। एज यू विश आप यूज कर सकती हैं, अदरवाइज आप नहीं भी डालें। और ये इसे डालने से काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देगा, जो कि कलरफुल दिख रहा है, और कलरफुल दिखने की वजह से खाने का मज़ा भी दोगुना हो जाता है। तो अब हम इसे हरे धनिए की पत्ती से, फ्रेश कोरिएंडर लीफ से हम गार्निश कर देते हैं, जो कि और ही अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी ये टिक्की छोले बनकर तैयार है। तो ये देखिए, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर टिक्की छोले। आप चाहें तो इसका स्वाद ले सकते हैं, मैं तो जा रही हूँ इसका मजा लेने। तो प्लीज़ आप भी इसे देखिए और अपने घर पे बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छा कलर है, टेस्टर आपको देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही चटपटा स्वाद बना है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, खाइए और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।